ऑब्जेक्टिव हमारी पेंडिंग थी, 28th ऑब्जेक्टिव हमारी पेंडिंग थी। ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 28 को ओपन करना प्लीज। मुश्किल है, अभी लो 2 मिनट में, 5 मिनट, 5 मिनट में इसे आसान है ना। ओके, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 28, ध्यान से, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 28 का क्वेश्चन नंबर 1, कितने लोगों को डाउट है? डाउट है, बहुत लोग सजेस्ट कर रहे थे स्टार डेल्टा लगा दे, मैंने कहा क्यों लगाएं, फिर बोले कि व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है और कईयों को नहीं समझ में आ रहा, इसमें कुछ है ही नहीं, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये दोनों किसमें है? सीरीज में, इसके साथ पैरेलल में, ये एक ऐसी सीरीज में पैरेलल में 2R/3, सीरीज में पैरेलल में 2R/3, सीरीज में पैरेलल में 2R/3, दिस 2R/3 अपॉन 2R/3, दिस अपॉन दिस, एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, आर कैन बी रिमूव्ड, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में आपस में पैरेलल में। क्या पहला क्वेश्चन क्लियर है सबको? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अभी किया था, अब तो पता लग रहा है कि ये दोनों किसमें? इन पैरेलल, तो क्या आएगा 2 और 6 पैरेलल में, आंसर क्या आएगा? 1.5, जो आंसर 1.5 आएगा, ये 1.5 के साथ इन सीरीज, तो क्या आएगा? 3 आएगा, फिर 3 और 3 किसमें? पैरेलल में, पैरेलल में 3 और 3 पैरेलल में, तो आंसर क्या आएगा? 1.5, करेक्शन कर लेना, ये गलती से 6 कर गया मैं, आंसर का चेंज कर लेना, ठीक है ना, गलत किया मैंने ये, ठीक है, करेक्शन मतलब देख लेना कहीं, यही कर लो, मैंने करेक्शन बोला है तो करेक्शन है इसमें, ठीक है। हाँ चेंज हो क्या आएगा पता नहीं, मैं तो कह रहा हूं गलत किया मैंने, सी आंसर है, सी होगा, मैंने नहीं देखा, मैंने गलत कर दिया, वो मैं पढ़ाते हुए जब मैंने द्वारा फर्स्ट बैच में देखा तो मैंने देखा कि मैंने सीरीज में ले लिया गलती से, जबकि ये पैरेलल में था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3, एक रिंग है, एक रिंग की टोटल रेजिस्टेंस, ध्यान आगे प्लीज निखिल, एक रिंग की टोटल रेजिस्टेंस 10 ओम है, बैटरी कनेक्टेड है, इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, करंट बताना है इसमें क्या होगा। अब क्योंकि ये एक क्वाड्रेंट है, क्वेश्चन में गिवन है क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब ये लेंथ क्या होगी? 1/4 होगी, तो ये कितनी होगी? 3/4 होगी, और रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शन में होती है, तो लेंथ की रेशियो अगर 1/4 और 3/4 है तो रेजिस्टेंस की रेशियो भी 1/4 और 3/4 है, तो इसकी रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस 10 है, तो इसकी इसका हिस्सा कितना आएगा? 1/4 of 10, और इसका हिस्सा क्या आएगा? 3/4 of 10, तो इसकी रेजिस्टेंस 7.5, इसकी रेजिस्टेंस 2.5, और जो आंसर आएगा आपस में किसमें हो जाएंगे? इन पैरेलल, आपको करंट निकालना इनमें कितना है, तो ये दोनों को इक्विवेलेंट करेंगे तो आंसर आएगा 15/8, तो पैरेलल में 15/8 आएगा। अब उसके बाद करंट क्या होगा? करंट होगा टोटल EMF 3 डिवाइडेड बाय 15/8 प्लस 1, तो करंट आ गया। अब करंट इनमें कैसे डिवाइड होगा? उल्टी रेजिस्टेंस की रेशियो में I1:I2 क्या होगा? 2.5:7.5, तो आपको टोटल करंट पता है, आपको I1 I2 निकालना है, तो I1 होगा 2.5 डिवाइडेड बाय 2.5 प्लस 7.5 इनटू टोटल करंट 24/3, तो इसका हिस्सा क्या होगा? 7.5 डिवाइडेड बाय इनका सम इनटू 24/3, तो I1 I2 कैन बी कैलकुलेटेड। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर में डाउट, फोर तो इनफाइनाइट वाला कैपेसिटर में करते थे, भूल गए, वन 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 रिपीट हो रहा है तो वन 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 रिपीट हो रहा है तो वन 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 को रख लें और बाकी सभी पैटर्न को आर मान लें। अगर इन्हें सॉल्व करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो ये दोनों पैरेलल में है, जो आंसर आएगा वन और वन के साथ सीरीज में, लेकिन टोटल आंसर भी एग्जैक्टली फिर से क्या आएगा, आर आएगा, इन्फिनिटी के केस में टोटल आंसर भी आर आएगा, तो क्वाड्रेटिक बनेगी, आर निकाल लेना आंसर। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन नंबर फोर के बाद क्वेश्चन नंबर फाइव में डाउट, फाइव देखा लगता है स्टार डेल्टा मेथड की शीट में ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, पहला वही है, ये सेम है, डिटैचमेंट वाला है। क्वेश्चन नंबर सिक्स कितने लोगों का हो गया? अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर सिक्स में रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल इज एस एंड पी, और क्वेश्चन में गिवन है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो n टाइम्स पैरेलल कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस के इक्वल है, तो सीरीज में रेजिस्टेंस कितनी है r1 प्लस r2, पैरेलल में रेजिस्टेंस कितनी है r1 r2 बाय r1 प्लस r2, तो क्वेश्चन में गिवन है ये n टाइम्स है, r1 प्लस r2 इधर आ गया तो r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। आप एक काम करो, r1 प्लस r2 के होल स्क्वायर को कन्वर्ट करो r1 माइनस r2 के होल स्क्वायर प्लस 4r1 r2 में, ऐसे लिख सकते हैं, R1 R2 को इसके नीचे ले आओ तो ये टर्म बन गई। अब n की कम से कम वैल्यू 4 तो आएगी आएगी, अगर ये टर्म 0 भी हो जाती है तो या तो 4 आएगी, 4 से ज्यादा आएगी तो कम से कम क्या आएगी, 4, आंसर इज 4। वैसे हिट एंड ट्रायल से भी हो सकता था बना बना के, कोई भी आर्बिट्री रेजिस्टेंस ले लो वहां से आंसर आ जाएगा। ठीक, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन देखो, जो क्वेश्चन नंबर सेवन है इसमें ये तीनों किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल, तो क्या आएगा 10, और ये दोनों पैरेलल में तो क्या आएगा 6, तो 3 का 3 इसकी जगह 10, इसकी जगह 6, इसकी जगह 1, और क्योंकि ये 48 वोल्ट पे है तो ये भी 48 वोल्ट पे है, 48 वोल्ट 6 ओम डिवाइड करेंगे तो करंट आ जाएगा, करंट इन सब में एग्जैक्टली क्या रहेगा सेम, पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट 8 एम्पियर इनटू टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 3 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 1, पोटेंशियल डिफरेंस एक्स और वाई में कैन बी कैलकुलेटेड, क्योंकि एक बार करंट आ गया, करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? ठीक है, इतनी बुरी नहीं है। ठीक, आंसर क्लियर है? तो अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, दिख ही रहा है इसमें ये दोनों किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल, ये दोनों किसमें कनेक्टेड है पैरेलल, और इसके साथ सीरीज, तो इधर से 10 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये पैरेलल में है तो 10 और 10 पैरेलल में, आंसर आएगा 5। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो कैसे करना है। नाइन्थ क्वेश्चन में जो वायर हवा में जा रही है इस तरीके से, इनको तो छोड़ ही देना है, इनमें कोई करंट नहीं जाएगा, हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी भी निकालनी है तो इनको निगलेक्ट कर दें, नहीं चाहिए। अच्छा ये बताओ ये तीनों किसमें है, पैरेलल में, तो इसकी जगह आर बाई थ्री, इसकी जगह आर, इसको छोड़ देंगे तो आर और आर किसमें, इन सीरीज, ऐसे ये आर, ये R और R सीरीज में तो 2R, और ये तीनों पैरेलल में तो R बाई थ्री, मैं R बाई थ्री लगाना भूल गया, यहां पर आएगा R बाई थ्री भी आएगा, तो जब सॉल्व करेंगे तो ये ना सोचना करेक्ट है ये भी इनकरेक्ट है, ये R बाई थ्री आएगा, फिर ये दोनों किसमें पैरेलल में R बाई थ्री के साथ सीरीज में, ये दोनों पैरेलल में R बाई थ्री के साथ सीरीज में, फिर पैरेलल में, पॉइंट समझ में आ रहा है लेकिन कैसे करना है। और क्वेश्चन नंबर 10 में 24 ओम की रेजिस्टेंस है और 1, 2, 3, 4 चार हिस्सों में डिवाइडेड है, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस इन सब की मिला के 24 है, तो अगर ये टोटल रेजिस्टेंस 24 है तो ऑब्वियसली ये 6, 6, 6 और 6, ये लो टोटल 24 आ गई। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, ये दोनों सीरीज में, इसके साथ पैरेलल में, इसके साथ सीरीज, आंसर।
तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक,